भाई लोग आज बात करने वाले अपने सेठ रोलिंस के बारे में। सेठ रोलिंस लेके बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सेठ रोलिंस को बेंस में प्लान रिलीज करने वाले हैं और इसके अलावा बात करेंगे अपने बॉबी लेसले के मेगा पुश के बारे में और गाइस बात करेंगे अपने कल हुई मंडे नाइट रॉ की रेटिंग के बारे में और गाइस बात करेंगे अपने कोडी रोड से कुछ प्लान लीक हो चुके हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं अपनी मंडे नाइट रॉ की रेटिंग के बारे में। जैसे कि गाइस आप सबको पता ही होगा कि कल की मंडे नाइट रॉ में अपने रोमन रिंग्स आए थे तो गाइस रेटिंग तो बढ़ चुकी होगी। आप लोग कैसा मानने क्योंकि रोमन सुपर स्टार है लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं है, रेटिंग घट चुकी है। गाइस 2% रेटिंग पिछले हफ्ते के मुताबिक भी सबसे घट चुकी है। गाइस जो पिछले हफ्ते रेटिंग आई थी वो थी 1.614 मिलियन व्यूअर्स और जो कि इस हफ्ते का रेटिंग आई है 1.58 मिलियन व्यूअर्स। तो गाइस अब घंटे के हिसाब से अगर बात करें तो पहले घंटे में आई अपनी रेटिंग 1.624 मिलियन व्यूअर्स। गाइस दूसरे घंटे रेटिंग आई है 1.648 मिलियन व्यूअर्स और तीसरे घंटे और फाइनल घंटे आई है 1.472 मिलियन व्यूअर्स। तो गाइस जैसा कि आप लोग पता ही होगा, आप देख ही पा रहे होंगे रेटिंग घट चुकी है। गाइस गाइस बिंस में फैन को कुछ करना पड़ेगा क्योंकि स्मैकडाउन की रेटिंग जहां पहले 2 मिलियन प्लस रहती थी अब वो भी 1.9-1.8 आ रही है और अपने रॉ की रेटिंग जहां 1.7 रहती थी तो वहां पे अपनी रेटिंग तो 1.5 के आसपास आ रही है। गाइस तो कोई ना कोई तो अपने बिंस में फैन को करना ही पड़ेगा, रेटिंग को गाइस वहां पे बूम करना है। और गाइस बात करते हैं अपने कोडी रोड के बारे में। कोडी रोड को लेके बहुत बड़ी अपडेट आई कि अपने कोडी रोड पर जो नेक्स्ट ओपोनेंट होंगे वो अपने और कोई नहीं बल्कि एजे स्टाइल हो सकते हैं। गाइस जो कि बहुत बड़ी रिपोर्ट है कि जैसे सेठ रोलिंस और कोडी रोड की फ्यूड ओवर होगी उसके बाद तुरंत अपने एजे स्टाइल वर्सेज कोडी रोड की फ्यूड शुरू हो सकती है। गाइस गाइस जो रिपोर्ट आ रही गाइस कि हेल इन अ सेल के बाद ये गाइस समर स्लैम के आसपास ये फ्यूड शुरू हो सकती है अपने कोडी रोड की। जो भी गाइस फैन है अपने कोडी रोड वर्सेज एजे स्टाइल के मैच देखने के लिए गाइस जिन लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अपने कोडी रोड वर्सेज एजे स्टाइल की फ्यूड होने वाली है। और गाइस बात करते हैं अपने बॉबी लेसले को लेके बहुत बड़ी अपडेट है कि अपने बॉबी लेसले को मेगा पुश देने के बारे में सोच रहे हैं अपने विंस मैकमैन से। क्या तो गाइस बहुत बड़ी अपडेट, गाइस विंस मैकमैन टॉप सुपरस्टार मानते बेबी फेस अपने बॉबी लेसले को अपने बिंस मैकमैन सोच रहे हैं कि फ्यूचर में रोमन वर्सेज बॉबी का मैच कराएंगे। तो गाइस का रोमन वर्सेज बॉबी का जब मैच होगा क्या बॉबी लेसले हरा पाएंगे रोमन रेंज को या फिर नहीं हरा पाएंगे? गाइस अगर बॉबी लेसले हरा देते अपने रोमन रेंज को गाइस तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग चैंपियन लगेंगे क्योंकि अभी गाइस हील ने बहुत अच्छा काम किया था बॉबी लेसले, अब फेस में उस तरीके का काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और गाइस बात करते हैं WWE के रिलीज के बारे में। तो गाइस WWE ने अभी 10 सुपरस्टार एंट्री से रिलीज किया है गाइस, लेकिन गाइस एक बहुत बड़ी अपडेट दी है अपने डेम मिलियन ने कि WWE अपने रेवेन्यू में ग्रोथ लाने के लिए जो 2-3 सुपरस्टार जो बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं उनकी बहुत ज्यादा फीस है लेकिन WWE उस तरीके से वो प्रॉफिट नहीं दिला पा रहे हैं तो WWE उन सुपरस्टार को रिलीज करने के बारे में सोच रही है गाइस। तो गाइस ऐसी अपडेट आ रही है कि WWE सेठ रोलिंस को बहुत अच्छे से पुश नहीं दे रही है, उनको कोई फायदा समझ नहीं आ रहा सेठ रोलिंस को और फिन बैलर को। तो गाइस हो सकता है गाइस कि WWE वाले जो नेक्स्ट रिलीज करेंगे वो अपने सेठ रोलिंस और फिन बैलर को कर सकते हैं। गाइस गाइस कोई कंफर्मेशन नहीं है गाइस, लेकिन ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि 2-3 बहुत बड़े सुपरस्टार रिलीज करेंगे, WWE जिनको बहुत ज्यादा पैसे पे करेंगे अपने WWE। तो गाइस उसमें सेठ रोलिंस और फिन बैलर का नाम आ रहा है कि इन दोनों सुपरस्टार को WWE रिलीज करने वाली। गाइस ये अपडेट थी गाइस अपने सेठ रोलिंस के बारे में। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।